बार महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आपने कराए, आपको उसमें कई बार पुरस्कार भी मिला है, इन सम्मेलन कराने के पीछे जी डॉक्टरी मेरा पेशा है, टीचिंग मेरा कर्तव्य है और महिला सशक्तिकरण मेरा पैशन है। महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सम्मेलन कराने का हमारी फॉक्सी की सबसे बड़ी संस्था ने हमसे आग्रह किया। इसी की वजह से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन WWCON जिसमें वीमेन हेल्थ, वीमेन वेलनेस और वीमेन सशक्ति महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन GSCL मेडिकल कॉलेज में मैंने ऑर्गेनाइज करा था। और ये आप लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े सम्मेलन में पहली बार राष्ट्रपति महोदय ने हम लोगों को संबोधित किया। इससे पहले किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो फॉक्सी का हुआ है उसमें राष्ट्रपति जी ने नहीं आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति जी की कितनी पैशनेट है या कितने इसके चिंतित हैं या कितना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट उनके लिए। इसका उद्घाटन भी उन्होंने करा था और उनके साथ हमारे माननीय मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्रालय में हैं, सेंटर में हैं, श्री हर्षवर्धन वो भी आए थे और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश सदन आदाई जी थे वो भी आए थे और हमारे जितने भी स्टेट के मंत्री थे उन लोगों ने सब इस सम्मेलन में भाग लिया था। और आपको ये बता दें कि सबसे अधिक प्रभावशाली वर्णन वक्तव्य या दृष्टांत जो प्रोड्यूस करा था वो हमारे श्री कोविंद जी ने, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उस समय आप समझिए 200 फॉरेन डेलीगेट्स आए थे और पता नहीं कितने अनेकों राष्ट्रीय लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया था। हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कि हम लोगों की महिला की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक न्याय, संवेदना, समता और सबसे आखिर में सोशल ऑफिस, छह पहलुओं को बाद में सोशल ऑफिस से हमें गवर्न करा था। यही मैसेज हम लोगों ने पास करा था श्री कोविंद जी को, उनके भाषण में उन्होंने छह चीज़ों का उल्लेख किया है। महिलाएं वैसे तो हर चीज़ में इसमें सरकार ने उनको बराबरी का दर्जा दे दिया है, लेकिन अंदर की बात ये है कि अभी जो होना चाहिए उससे हम लोग काफ़ी पीछे हैं और इसको बराबरी में लाने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जहाँ तक हो सकता है महिलाओं को आगे से आगे लाने की कोशिश करें। अभी हमारे घर में अगर दो लोग बीमार हैं, बेटा भी और एक बेटी भी है, तो बेटी के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखा जाएगा बेटी की मृत्यु में। हमारे देश से एनीमिया मुक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, पोषण युक्त भारत, ये सब गदाएँ आपके चारों तरफ हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर दिए जा रहे हैं, ऐसा आह्वान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये गदाएँ अभी भी व्यथाएँ हमारी महिलाओं में पाई जा रही हैं। ये हम लोग इस पर लगातार बल कर रहे हैं और कोरोना पीरियड में भी महिला वैक्सीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महिला वैक्सीन पहले गवर्नमेंट ने बंद करके रखी थी, राइट जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब से कुछ दिनों पहले तक जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, पहली बार तो जब हम लोग कोरोना काल के महाकाल के प्रकोप में फंसे हुए थे, उस समय तक हमारे हाथ में कोई वैक्सीन नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लगातार प्रयास के बाद हम लोग इस वैक्सीन को अपने लोगों में, भारतवासियों को देने में समर्थ हो गए। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इस समर्थ होने के बावजूद भी जितनी भी वैक्सीन थी उसमें बराबर हम लोग के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सब जगह से ये आदेश आ रहे थे कि ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली महिलाओं को नहीं दिए जा सकते। इस पर हम डॉक्टर्स ने बहुत प्रयास करा कि जिस एज ग्रुप में भी दिए जा रहे हैं उस एज ग्रुप की अगर महिला प्रेग्नेंट है, उस एज ग्रुप की महिला अगर दूध पिलाने वाली है, तो उसको ये वैक्सीन मिलना चाहिए। उसका कारण हम लोगों ने ये रखा था
कि जब हम लोग एक वैक्सीन देते हैं तो हम दो लोगों को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। माँ को तो मिल ही रही है, माँ जो दूध पिला रही है बच्चे को उसको भी वो मिल दी जा रही है। उसी तरह गर्भ में बच्चे को, क्योंकि ये जो वायरस है दूध पिलाने में ये डायरेक्ट पास हो सकता है लेकिन दूध से पास नहीं होता है, तो वैक्सीनेशन करने में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे में भी पास हो सकते हैं। इसके लिए हमारे महिलाओं की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया है, इसके साथ मैंने लीड करा एक 13 संस्थाओं का संयुक्त प्रयास बनाया और हम लोगों ने एक वाइट पेपर प्रोड्यूस करा और उसमें अपनी वाइट पेपर इस संस्था का भी लगाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय हर्षवर्धन जी से और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लगातार लेकर हम लोग इसका प्रयास करते रहे कि हमारी गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाने वाली माताओं को वैक्सीनेशन अलाउ किया जाना चाहिए। शुरू में हम लोग को असफलता मिली, हम लोग को इसकी आज्ञा नहीं मिली कि हम उन्हें वैक्सीनेट कर पाए, लेकिन जब टेक्निकल कमेटी ने ये समझ लिया कि विदेश में भी ये दी जा रही है, इंटरनेशनल फोरम पर भी ये दे जा रही है, यूरोप में भी दिए जा रही है और अन्य कंट्रीज में भी दिए जा रही है, तो उन डेटाज को कलेक्ट करके हम लोगों ने अप्रोच करा। तो जो कंपनी वैक्सीनेशन दे रही थी और लगातार लिखकर बता रही थी कि इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये पत्र हमारे पास बराबर आते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब दूध पिलाने वाली महिलाओं को और प्रेग्नेंट मदर को ये नहीं देना चाहिए, इसका खंडन करते हुए जब उन लोगों को समझ में आ गया कि उन लोगों ने जो भी रेफरेंसेस रखे थे, जो विदेश के स्टैटिस्टिक्स रखे थे, ये सब जब प्रोड्यूस करे तो पहली शिफ्ट में हम लोगों को लैक्टेटिंग वुमेन के लिए अलाउ कर दी गई, हम लोगों को अपनी आधी मिट्टी नज़र आने लगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत प्रयास करा और डॉक्टर हर्षवर्धन का भी अमूल्य योगदान था जिसकी वजह से लैक्टेटिंग वुमेन में ये वैक्सीन दिए जाने का आदेश आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग को प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आदेश तब तक नहीं आया था, हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करी, डेटा कलेक्ट करा, लिटरेचर प्रोड्यूस करा और जो ये हमारा संयुक्त तत्वावधान 13 इंस्टीट्यूशन का था, जिसमें हमारी TRIPLEW फाउंडेशन, फीगो, IMA, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने एक वाइट पेपर प्रोड्यूस करा। उसके बाद हम लोग को महिलाओं में प्रेगनेंसी की स्टेज पर भी वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया गया, वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और मैं बता सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का ये योगदान महिलाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं को और प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन, और सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन उन्होंने खाली महिलाओं को एक ट्राइमेस्टर में नहीं, उन्होंने शुरू से अलाउ कर दिया, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और लास्ट के भी 3 महीने, मतलब 9 महीने में कभी भी ये वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने अपनी महिलाओं को अच्छी तरह बताया कि ना तो इसका मेंस्ट्रुएशन से कोई ताल्लुक है, महामारी में भी दिया जा सकता है, अगर आप दूध पिलाती तब भी दिया जा सकता है, प्रेग्नेंट थे तब भी दिया सकता है, अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं तब भी दिया जा सकता है। और इसके लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार का जो नज़रिया था महिलाओं के लिए उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा जो मंत्रालय है और हमारी भारत की सरकार है वो महिलाओं के लिए कितनी जागरूक है कि कोरोना के इस विपत्ति काल में जो एक सदी की ट्रेजेडी कहा जा सकता है उसमें भी महिलाओं के लिए सतर्क वर्क किया गया और उन लोगों को ये वैक्सीनेशन अलाउ किया गया। आप कोई बताना चाहते हैं कि इस समय हम लोगों ने ऐसे काफ़ी प्रेस में भी विज्ञप्ति की थी, मीडिया भी कर रहे हैं, हमारी वर्कशॉप चल रही हैं, लगातार इस पर वर्क हो रहा है, हम लोग इसको अवेयरनेस को फैला रहे हैं और हम चाहते हैं इस अवेयरनेस को फैलाने में आपको भी हमारा साथ दें और सब महिलाओं को वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें।
जा सकती है। हमारी एक इंजेक्शन लगाने से दो लोग बेनिफिट हों, माँ के साथ बच्चा भी बेनिफिट हो, ये हमारे देश के लिए एक बहुत उत्तम चीज़ होगी। और हम अपनी युवती आवाजी उस पर लगातार कितने लोगों को, हमने अपने कितने स्वास्थ्य कर्मियों को, अपने कितने डॉक्टर को खो दिया है, हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर पास हो रही है, थर्ड ईयर के लिए बराबर हम लोगों को कहा जा रहा है कि तैयार रहें, और वो बच्चों के लिए हानिकारक भी है खास करके बताया जा रहा है। उस समय तो लैक्टेटिव मदर और प्रेग्नेंट वूमेन के लिए ये बहुत ही स्वर्णिम हथियार है अपने आप को कोरोना से बचाने। थर्ड वेरिएंट जो आ रहा है, ये आने वाला है, इसके लिए इंटरनेशनल बेस पे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि ये पहले और दूसरे से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक है। कि ये जो थर्ड वेव आने वाली है, ये इसका जो अल्फा डेल्टा ये सब जो नए वायरसेस हैं उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। जैसे कि जब कोरोना आया था उस वायरस के बारे में भी हम लोग को अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 हम लोगों ने उसके लिए पूरी जानकारी हासिल करी, क्या क्या चीज़ उपयोग करना चाहिए, कैसे उससे बचाव हो सकता है। और वो फेज था जहाँ तो भी उस वायरस के बारे में मालूम था ना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में मालूम था ना, उस वायरस की ये हरकत मालूम थी कि रोज़ अपना रूप बदल सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाइडलाइंस बराबर हम लोग की बदलती चली जा रही थी। लेकिन जब हम लोग को वैक्सीन भी मिल गई, वायरस का रूप भी पता चल गया, उसका जो ये रूप बदल बदल के आना ये भी हम लोग को ज्ञान हो गया, तो हमें इस वायरस के वेरिएंट के बारे में भी पता लगना अच्छी तरह चालू हो गया है। और इसके लिए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक अस्पताल में NICU जहाँ पर कि बच्चों को रखा जाता है, बच्चों में ज़्यादा खतरनाक होगा, इसके लिए सारे अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड्स पहले से तैयार करके रखे जा रहे हैं कि अगर ये वायरस आता है तो हम लोग पहले की दफ़ा जैसे हम लोग नहीं निपट पाए थे उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। और हम लोग क्या GHB मेडिकल कॉलेज में भी, क्या सभी मेडिकल कॉलेज में आपने से अखबार में पढ़ते हैं कि इस पर लगातार कार्य हो रहा है। और भारत सरकार क्या, हमारे योगी जी तो अस्पताल अस्पताल जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद इसका आदेश ले रहे हैं कि उस अस्पताल में क्या हो रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी हर स्टेट के हिसाब से उसकी बेड कैपेसिटी वो अंदाज कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वायरस हम लोग को नहीं सता पाएगा, उससे पहले हम अपने आर्म्स और अग्निशमन हथियारों के साथ कटिबद्ध और तैयार रहेंगे, और इससे हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। लेकिन अगर ये खाली बच्चों के लिए कहा जा रहा है तो मेरा संदेश ये है कि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग को वो सब चीज़ें मेनटेन करनी चाहिए, डिस्टेंसिंग भी, मास्क भी, बड़ी बड़ी मैसेजों में जाना भी, जब खड़े हो तो अपनी दूरी का मेंटेन करना चाहिए। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिनाई करते हुए लोग गंगा जी में घुस जाते हैं, बाघ उस पर तालाबों में घुस जा रहे हैं, इकट्ठे होकर दोनों से लोग शोर मचा रहे हैं, शराब पी रहे कर, इन सब चीज़ों को, इन सभाओं को अभी स्थगित रखना चाहिए ताकि ये वायरस किसी भी प्रकार से न रुक पाए। और आप लगातार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की हर रोज यही चिंता भी आ रही है, हमारे विभाग से बराबर यही चिंता भी आ रही है कि हम लोगों को एकदम निर्भीक नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि सेकेंड ईयर तभी आई जब हम लोग थोड़े से ढीले पड़ गए थे, तो हम लोगों को कड़ाई से उन सब का पालन करना चाहिए ताकि सेकेंड ईयर के प्रकोप में भी ना आ सके और थर्ड ईयर के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। और ख़ास करके अपनी यंगर जनरेशन को, जो दादा बात नहीं मानते, उनको समझा कर। थैंक यू वेरी मच।